अब ये जानते हैं कि किन दशाओं में कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब माँ अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करनी चाहिए। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी ही चाहिए। अगर कुंडली में दरिद्र योग हो या दिवालिया होने का योग हो कि आप पैसे रुपए को लेकर के मुश्किल में आ जाएंगे या आपकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसी दशा में मां अन्नपूर्णा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो ऐसी दशा में भी मां अन्नपूर्णा की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कुंडली में शनि पंचम में हो, आपके करियर को प्रभावित करेगा, अष्टम में हो आपके रोजगार को प्रभावित करेगा, या बारहवें खाने में हो तो आपके भरण पोषण को प्रभावित करेगा, और ऐसी दशा में मां अन्नपूर्णा की पूजा महत्वपूर्ण होती है। अगर कुंडली में राहु दूसरे खाने में हो या अष्टम भाव में हो, यानी आपके भरण पोषण और आपके खाने पीने से संबंध रखता हो, तो भी मां अन्नपूर्णा की पूजा कारगर होती है। अगर कुंडली में विष योग हो, शनि चंद्रमा का संबंध हो या शनि चंद्रमा एक साथ हो, तो आदमी को जीवन में एक बार शुरुआत में ही आम तौर पर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में मां अन्नपूर्णा की पूजा फलदायी होती है।